ये देखिए बिल्कुल लग रही है ना ढाबे के जैसी। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कार्डियो किचन में। आज मैं आपके साथ बनाऊंगी सेव टमाटर की सब्जी। इसको हम रतलामी सेव से बनाएंगे और यह बिल्कुल ढाबे जैसी बनेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। लेकिन रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसे फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज हमारे पेज को फॉलो करें। तो अब चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं सेव टमाटर की सब्जी बनाना। इसको बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है एक बाउल रतलामी सेव, ये लगभग 100 ग्राम है। साथ में लिए हैं दो मीडियम साइज के टमाटर, दो मीडियम साइज के प्याज और दो हरी मिर्ची। सबसे पहले मैं प्याज और हरी मिर्ची को लंबा और पतला कट कर लूंगी और टमाटर को हम रफ चॉप करेंगे। ये प्याज और हरी मिर्ची को मैंने लंबा और पतला कट कर लिया है, साथ में टमाटर को रफली चॉप किया है। तो चलिए अब चलते हैं गैस की तरफ और इसको बनाना शुरू करते हैं। कढ़ाई को मैंने गैस पे रख दिया है और इसमें 1 टेबल स्पून ऑयल डाला है। ऑयल गर्म हो गया है, अब इसमें सबसे पहले मैं डालूंगी 1/2 टीस्पून जीरा। जीरे को हम थोड़ा सा चलाएंगे। अब इसमें मैं डालूंगी 2 लंबे कटे हुए प्याज। इसको इस तरह से लगातार चलाएंगे हम। प्याज को हमें बहुत अच्छे से गोल्डन नहीं करना है, बस इसको हमें थोड़ा सा ही पकाना है। बस इसका कलर चेंज हो जाएगा उतना ही हमें पकाना है। अब साथ में इसमें मैं डालूंगी लगी लंबी कटी हुई हरी मिर्ची। इसको भी हम प्याज के साथ ही भुनेंगे। ये देखिए प्याज थोड़ा थोड़ा भुन गया है। इसको मैंने बहुत ज्यादा नहीं भुना है, बहुत थोड़ा सा ही इसको हमें भुनना है, बस इसका कच्चापन चला जाए। अब मैं इसमें डालूंगी 2 पिंच हींग। इसको भी हम प्याज के साथ थोड़ा सा मिलाएंगे। और अब इसमें मैं मिला दूंगी टमाटर जो हमने रफली चॉप किए थे। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और अब इसमें थोड़ा सा मैं नमक डालूंगी टेस्ट के अकॉर्डिंग, और इसको टमाटरों को थोड़ा सा गलने देंगे। ये देखिए टमाटर भी थोड़ा थोड़ा गल गया है। टमाटर को हमें पूरी तरह से नहीं गलाना है, इसको थोड़ा सा हम इस तरह से खड़ा खड़ा ही रखेंगे। अब मैं इसमें डालूंगी हल्दी 1/4 टीस्पून, लाल मिर्ची टेस्ट के अनुसार आप कम या ज्यादा कर सकते हैं, साथ में डालेंगे गरम मसाला 1/2 टीस्पून, और इसी के साथ मैं डालूंगी कसूरी मेथी, ये मैंने 1 टीस्पून ली है। इसको हाथों से इस तरह से थोड़ा सा क्रश करके फिर हम डालेंगे। इससे टेस्ट और खुशबू दोनों ही बहुत अच्छे आते हैं। इन सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे। सभी मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब मैं इसमें डालूंगी 1 टेबल स्पून जितना पानी, ज्यादा पानी नहीं डालना है। पानी को मसालों के साथ अच्छे से हमें मिक्स करना है। इसको हम थोड़ा सा पकने देंगे। ये देखिए मसाले में अच्छे से उबाला आ गया है और ये पक गए हैं। अब मैं इसमें मिला दूंगी रतलामी सेव। सबको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। ये देखिए सभी अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको बॉल में निकाल लेंगे। ये देखिए सब्जी बनकर तैयार हो गई है। इसको मैंने बॉल में निकाल लिया है। ये देखिए बिल्कुल लग रही है ना ढाबे के जैसी। होपफुली आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप ये रेसिपी जरूर ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में अपने व्यू जरूर शेयर करें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।